तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा उपविषय है पाई चार्ट बनाना। अब हम पाई चार्ट को बनाना सीखेंगे। आपने आंकड़ों के द्वारा संपूर्णता भाग और केंद्रीय कोण की माप ज्ञात करना सीख लिया है। हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात की थी और आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब उन्हीं केंद्रीय कोणों के आधार पर हमें यहां पर पाई चार्ट बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला कोण मेरे पास क्या है, 120 डिग्री। मैंने एक वृत्त बनाया है, वृत्त के अंदर एक त्रिज्या ली है और ये डी कोण मापक की सहायता से हम पहला कोण बनाएंगे कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। अब जो हमारे पास ये त्रिज्या दी गई है, यहां बीच पॉइंट होता है ये का और ये जीरो के साथ मैंने इसको मिला दिया और यहां से जब मैं जीरो से चला मेरे पास 120 डिग्री यहां पे आया है। मैं यहां पे एक छोटा सा निशान मैंने लगा लिया और उसके बाद पैमाने से या डी का इस्तेमाल करते हुए ही यहां से यहां तक रेखाखंड खींच दूंगा। ये कोण मेरे पास क्या आ गया, 120 डिग्री का आ गया। और यहां पे मैं लिख भी सकता हूं ये क्या कौन सा रंग था, नीला। नीला रंग मैंने इसकी बाहर की तरफ लिख दिया। अब दूसरा कोण 60 डिग्री का है तो मैं अब इस रेखाखंड को लेकर 60 डिग्री का कोण बनाऊंगा। ये जो अगला आया है यहां पे मैं इसी प्रकार से डी रखूंगा, ये रखी मैंने डी। डी रखने के बाद जब मैं यहां से फिर चला, 60 डिग्री मेरे पास अब की बार यहां पे आ गया, जहां जीरो है उसी साइड से हमें देखना है। अब इसको यहां से मैं ये देखिए ये मिल गया तो मेरे पास ये 60 डिग्री कौन सा था, हरा कोण हमारे पास आ गया है। हरे रंग का कोण 60 डिग्री था, 60 डिग्री हमने ले लिया। अब आगे कितना है, 40 डिग्री। अब 40 डिग्री मैं अगले रेखाखंड से अगले त्रिज्या से लूंगा, उसी प्रकार से बीच में डी लगानी है और यहां जीरो से यहां पे क्या लेना है, 40 डिग्री। यहां पे रोक के इसको मैं यहां फिर केंद्र बिंदु के साथ क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। सिर्फ परिधि तक ही लेना है, आगे यदि बिंदु आ जाए तो उसको मिटा देना है। ये मेरे पास क्या आ गया, लाल, और आगे क्या बच गया था, पीला, क्योंकि और तो कोई है नहीं है, जो एक कोण बचा है किसका बचा है, पीले का। अब ये पाई चार्ट हमारा तैयार है। अब इसको सुंदर बनाने के लिए और अलग अलग दिखाने के लिए हम इन चारों में अलग अलग रंग भी कर सकते हैं या शेडिंग भी दे सकते हैं। जैसे मैंने एक में इस प्रकार से शेड कर दिया, एक में, दूसरे वाले में मैंने डॉट लगा दिए सभी में, तीसरे वाले में मैंने क्या कर दिया, तीसरे वाले को मैंने सीधे लाइन से बना दिया और चौथे वाले को खाली भी छोड़ सकते हैं या ऐसे बना दें या फिर पेंसिल से इसको पूरा एक को छायांकित कर दें। तो ये हमारे पास एक पाई चार्ट तैयार है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ केंद्रीय कोण की सहायता से हमें एक त्रिज्या के ऊपर पहला कोण बनाना है, उसके बाद जो अगली त्रिज्या है उसके ऊपर दूसरा कोण, फिर अगली त्रिज्या है उसके ऊपर अगला कोण, और इसी प्रकार से हम कोण बनाते चले जाएंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास कोई कोण 180 डिग्री से ज्यादा आ गया, अब हमारे पास पैमाना मतलब कोण मापक जो होता है ये 180 डिग्री तक ही होता है, तो 180 डिग्री से यदि ज्यादा हमारे पास कोई कोण आ गया तो हम उसको पहले नहीं लेंगे, पहले और जो छोटे कोण हैं उनको बना लेंगे। क्योंकि एक यदि 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसके बाद कोई भी कोण आपको 180 डिग्री से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो आप पहले छोटे कोण बना ले और जैसे बाद में 140 बच गया था उसके बाद वही कोण बच जाएगा जो 180 डिग्री से ज्यादा का था। तो आशा है कि आपको ये पाई चार्ट बनाना अब आ गया होगा। अब ये प्रश्नावली कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।